हेलो दोस्त, कैसे हो सब? तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं एलवी सादो के बारे में। तो अभी एक जन है जो कि एलवी सादो को एक चीज के ऊपर ओपन चैलेंज कर रहे हैं। अब वो क्या चीज है तो आपको पता होगा कि पास्ट में एलवी सादो सलमान खान या बिग बॉस के ऊपर कुछ एक्सपोज या रोस्ट वीडियो भी लाए हैं। सो बेसिकली उनका जो सलमान खान वाला रोस्ट वीडियो है उसी का एक क्लिप ये शेयर कर रहे हैं। आता है बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर हमें ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई उस पे हिट एंड रन का केस भी लग रखा है। ब्लैक बक मारने का मतलब उखाड़ा हिरन मारने का केस भी लग रखा है, पर कोई गवाह नहीं बचा। सलमान भाई ने गवाही खत्म कर दी है, तो अब कोई गवाही देने वाला चानी तो आज भी खुले घूम रहे हैं। तो इस समय ये पता चलता है कि अगर तुम पे पैसा है पावर है तो किसी माइक के लाल में जोर नहीं तुम्हें अंदर बंद करवा सके। आज भी सल्लू भाई खुले घूम रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद की हेल्प करते हैं। सल्लू भाई का दिल बहुत बड़ा, अपने जैसे और भी क्रिमिनल्स की हेल्प करते हैं। जैसे सूरज पंचोली था, उसको लॉन्च भी सल्लू भाई ने करा था, पर ना उसको एक्टिंग आती है ना कुछ आता, इसलिए बेचारा फ्लॉप होगा। कोई बात नहीं, और उसको ये फायदा होगा कि सल्लू भाई ने उसको उस केस में से निकलवा दिया। जो उसकी बंदी थी, क्या नाम है, जिया खान, उसने सुसाइड कर लिया था, उसका नाम लिख के चली गई थी। तो उस केस में सूरज पंचोली को सल्लू भाई ने बचाया, वो मर्डर केस था। बेसिकली इसी क्लिप को शेयर करते हुए निमो यादव एक चैलेंजिंग ट्वीट भी किए हैं, जिसमें वो लिखे हैं, ही इज एलविस यादव आरडब्ल्यू प्रोपेगेंडलिस्ट यूट्यूबर, ही इज सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदूस वॉइस, यूज्ड टू अब्यूज एंड मैलिन सलमान खान एंड हिज फैमिली, डिक्लेयर्ड सलमान खान एज डैश, मॉक्ड हिम एवरी टाइम, नाउ ही हैज जॉइंड सलमान खान शो बिग बॉस। इफ एलविस इज अ रियल हिंदू, ही विल से द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑन द फेस ऑफ सलमान, अदरवाइज ही इज जस्ट मिंटिंग मनी इज द नेम ऑफ हिंदूस। मींस के जो चीज इस वीडियो के अंदर एलविस यादव बोल रहे हैं, अगर वो रियल में हिंदू हैं तो वही चीज सेम सलमान खान के फेस पर उनके सामने बोल के दिखाए, तभी मैं उनको रियल हिंदू मानूंगा, वरना मैं ये मानूंगा कि वो हिंदुओं के नाम पे पैसा बना रहे हैं। अभी चीज पे पीपो भी रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए, जिसके अंदर बेसिकली वो यही बताया है कि एलविस यादव बिग बॉस के अंदर एक इंटरटेनर के रूप में गए हैं और सलमान खान उस शो के होस्ट है, ना कि उस शो के मालिक है। जिस तरीके से एलविस यादव को एक कंटेस्टेंट के रूप में पे किया जा रहा है, उसी तरीके से सलमान खान को भी पे किया जाता है। नॉट श्योर व्हाट इज योर प्रोपेगेंडा विद द बिलो ट्वीट। फिर आगे जो वो चीज लिखे हैं, बेसिकली उसका मतलब यही है कि उनका ये वीडियो काफी टाइम पहले का है, और इस वीडियो के अंदर वो जो चीजें बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि वो खुद अपना बना बनाया बोल रहे हैं। सलमान खान के बारे में ये सभी चीजें पूरी दुनिया जानती है, पूरी पब्लिक जानती है, अल्सो ये मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी है पहले से ही। अल्सो वजाहत हसन भी इस पे रिएक्ट किए, वो लिखे, रियल हिंदू या मुसलमान होने के लिए कुछ साबित नहीं करना होता, मजहब दिल में होता है जनाब। एलविस हिंदू है और सबका प्यारा है। आई हैव नेवर हर्ड हिम सेइंग बैड अबाउट एनी अदर रिलीजन, ही इज रिप्रेजेंटिंग यूट्यूब कम्युनिटी एंड ही विल बी टॉप 2-3-4 शो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डन गाइस के बारे में। तो बिग बॉस के अंदर एलविस यादव को देखकर गोल्डन गाइस बहुत ही ज्यादा खुश है। अल्सो उन्होंने एलविस यादव के सपोर्ट के लिए अपने सारे फैंस से रिक्वेस्ट किए। हेलो एवरीवन, हमारा भाई एलविस बिग बॉस में वैसे तो आग लगा रहा है, बाकी सिस्टम हैंग, और हमारी तरफ से फुल सपोर्ट। कैसे सपोर्ट भाई? गोल्डन गाइस की जितनी भी फैमिली है फुल सपोर्ट करने का, एलविस भाई को तांडव होने मांगता है। जैसा गोल्डन गाइस को आप सपोर्ट करते हो, वैसे एलविस भाई को अपने करने का और उसको विन करने का। मित्रमंडल सपोर्ट सिस्टम, सिस्टम हैंग होना मांगता बिग बॉस का, हैंग होना मांगता है। सपोर्ट सिस्टम मित्रमंडल, लव यू, टेक केयर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं बिग बॉस के अंदर के कुछ बातों के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं फुकरा इंसान और जिया शंकर के बारे में। सो में से ज्यादातर लोग ये समझ रहे थे कि एलविस यादव जो अभिषेक मल्लन को हिंट वगैरह दिए हैं अलगार या समंदर बोल के, वो अभिषेक मल्लन को शायद समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग ये चीज सोच रहे थे उनको फुकरा इंसान ने गलत साबित कर दिया है। कैसे? तो बेसिकली अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान और जिया शंकर आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें जिया शंकर के गले में फुकरा इंसान का एक फोटो लगा होता है। सो बेसिकली जिया शंकर उसी फोटो को बहुत अच्छे से निहार रही होती है, देख रही होती है। तभी फुकरा इंसान बोलते हैं कि क्या ख्याल है, तब जिया शंकर बोलती है कि ये मेरा प्यार है, और आगे कुछ ऐसे ही बोलती है। और इसी तरीके से कुछ देर तक ये लोग आपस में बात करते हैं, बट लास्ट में फुकरा इंसान जब उठते हैं और जा रहे होते हैं, तब वो एल्गार सॉन्ग का एक लाइन बोलते हैं, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। अब ये चीज देखने के बाद लोगों को काफी अच्छा लग रहा है कि चलो भाई फुकरा इंसान को ये बात तो समझ में आ गया है। सो ओवरऑल अगर देखे तो आई थिंक फुकरा इंसान को सबसे समझ में आ रहा है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, बट सबसे अभी वो बना के चल रहे हैं, उनका गेम प्लान क्या है ये आगे पता चलेगा। और सो फुकरा इंसान को सिर्फ अपना गेम ही नहीं बल्कि एलविस यादव का भी गेम समझ में आ गया है। डॉक्टर टास्क के अंदर उन्होंने साफ साफ एलविस यादव के सामने ही ये बोल दिया है, एलविस यादव आपने एक इविल गेम प्लान बनाया है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट पूजा जी और बेबिका को दोस्त बनाऊं, पॉजिटिव इमेज अभिषेक और मनीषा को दोस्त बनाऊं, और जो दिख नहीं रहे जैसे कि अविनाश जिया और फलक उन्हें छेड़ूंगा एज टारगेट, प्रोवोकिंग बदतमीजी करूं। सो भाई अब ये समझ लो कि जिस तरीके से एलविस यादव को पूरा गेम समझ में आ रहा है, ठीक उसी तरीके से फुकरा इंसान भी अब समझ गए। मेरे ख्याल से अब पूरा चांस लग रहा है कि दोनों जन मिलकर काफी कमाल मचाने वाले हैं। अब देखना बनता है कि क्या क्या होता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोस के अंदर बिग बॉस के लेटेस्ट जितने भी अपडेट होंगे वो सब कुछ कवर करके आपको दिखा दे, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो। सो बस अपना सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।